हे गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज, आज का ब्लॉग रहेगा काओ मिल्किंग के ऊपर, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ में। फिर इसके बाद और ऊंचाई आएगी। अभी मुझे इस रास्ते जाना मेरे को ऊपर। चलो चलते हैं, देखा आपको रास्ता भी नजर नहीं आएगा, ये रास्ते कुछ ऐसे ही हैं। कुछ भी सही, गांव में घूमने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ का पीछे का व्यू थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। इन पत्थरों पर गाय आती होंगी तो उनके खुरों में चोट आती होगी, लेकिन पशु हैं, उनको सब प्रैक्टिस पड़ जाती है चलने की। तो गाइज, हम गांव में एंट्री कर गए हैं। देखो घुसते, देखो कितना सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं यहाँ पर। तो काफी छोटा पेड़ है ये, नींबू का है ये, तो कुछ अलग ही लग रहा है मेरे को। गांव में घूम के अच्छा लग रहा है। इनके पास गाय, बात करता हूँ मैं अभी। ये गाय आपकी है? अच्छा, गांव का रास्ता कुछ ऐसा है। तो गाय जो आप देख रहे हैं, ये है टमाटर की खेती। अच्छा, इसको मच्छर लग रहा है शायद। क्या नाम दिया है इसका? नाम भूरी, और इसका नाम है स्वीटू। अच्छा, इसी के बच्चे? अरे हाँ जी, इसके चार बच्चे थे, तीन बच्चों को तो, दो बच्चों तो कुत्ते ने खा दिया और एक बच्चा तो। अरे देखो ऊपर, तुम्हारा फेस नहीं आ रहा। कौन सा है सलून में? ओरे, ये कहाँ है? ये पहले साड़ी था डीसी, ओल्ड डीसी ऑफिस के पास। ओल्ड डीसी ऑफिस, अच्छा। हाँ जी। तो गाइज, आप देख रहे हैं, हम इसी गाय का दूध निकलवाएंगे मैम से। ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, चलती बहुत ही। फिर आजकल बीमार माँ भी कहे। हाँ, वो तो लग रहा है मालिक दिखाई दे जाते हैं। मैं वो सेवा करने वाला नौकर। अच्छा, आप कहाँ से हो? नेपाल के। नेपाल रहने वाले हो? हाँ जी। तो गाय की केयर करते हो आप? देख देख। हाँ, गाय का सेवा। तो कितने साल से कर रहे हो आप? मेरे को 13-14 साल हो गए गाय का सेवा करता हूँ। काम कर रहे हो आप? कौन मैं? ए हाँ, 8-9 साल हो गए। 9-10 साल हो गए। 8-9 साल। तो मैम, आपने लगा था तेल? अच्छा, उनका अपना जोर नहीं ना लगता दूने में, फिर अपना हाथ ही खींच के करते हो। मैम कैसे दूध निकाल रही है? कितनी गाय है आपके पास? 5। अच्छा, तो मैंने अभी तक जितनी वीडियो बनाई है, तो एक परिवार में 7 गाय थी और आपके पास 5 है। हमारे पास भी बहुत है, हमने दे दिया है ना, हमने पेटी हमारे पास और 10 थे हमारे पास। तो दूध कहाँ आप बेचते हो? यही नीचे ले लेते हैं, किराएदार कोई फैमिली वाले। तो क्या रेट देते हैं दूध? 80।
गाय की ब्रीड कौन सी है, नस्ल कौन सी है? ब्रीड? हाँ, नस्ल कौन सी गाय की है? ये नस्ल होस्टन। होस्टन है ये? आपकी जो बोले ना बहू, उनके हाथ से वीडियो बनाऊंगा मैं, फिर एक फिर आपके हाथ से दोबारा बनाऊंगा मैं, तीन चार वीडियो बनाऊंगा मैं आपकी। अच्छा, वीडियो बाहर ही बनाएंगे। हाँ जी, जिन्होंने भेजा उनको पता है मैं वीडियो बनाता रहता हूँ आपके डमरों में, आपको पता नहीं है लेकिन लोग मेरे को बहुत जानते हैं यहाँ पर। पहले तो मैंने ऊपर भी अब मैंने ऐसे देखा नहीं था, तो मैंने बताया था मुझे वीडियो में। अच्छा, निकल गया तू? हाँ जी, हाँ जी। तो गाइस, दूध निकल गया गाय का। तो गाइस, मैम के पास हम दोबारा से आएंगे, यहाँ पर दूध निकलवाएंगे। मैम की बेटे की बहू हैं, उनके हाथ से निकलवाएंगे और मैम के हाथ से भी निकलवाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ के पास में पांच गाय हैं, तो यहाँ पर कितने दूध देती हैं? सब देती हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम पांच वीडियो बनाएंगे। अभी हमने एक वीडियो बनाई, अंधेरा हो गया है, अभी मैं दूसरे परिवार में जाना, वहाँ वीडियो बनानी है, इसलिए मैं जाना पड़ेगा यहाँ से। तो मैम के पास दोबारा आऊँगा मैं, फिर दोबारा से वीडियो बनाएंगे इनकी हम। थैंक यू मैम। तो गाइस, यहाँ वीडियो बन गई हमारी। चलो गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।